राजपाल सिंह चेयरमैन सेंट्रल जोन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। आज सेंट्रल जोन के अंदर इंक्रोचमेंट रिमूव की प्रोग्राम को आज गति देने का काम शुरू किया है और आज से हमने ये अपना जो प्रोग्राम है जिसको पहले फेज में आज करनी स्टेडियम रोड से शुरू करके इसको आगे सारे जोन के अंदर करना है और इसका आज पहला कदम है जिस काम को आज हम गति दे रहे हैं। अच्छा, कुछ दुकानें यहाँ पर है वो कह रहे हैं कि एमसीडी द्वारा अलॉट की हुई है, स्लिप उनके पास है। हमने अनऑथराइज के ऊपर काम करना है, जिन्होंने रास्ते ब्लॉक कर लिए हैं, लोगों के सड़कें ब्लॉक कर ली हैं, लोगों का रहना जाना आना दुर्लभ कर दिया है, स्कूल की बस जा नहीं सकती, लोग अपने ऑफिस नहीं जा सकते, ऑफिस की गाड़ी वैन नहीं आ सकती, आज सबको क्लियर करने का प्रोग्राम है। जो जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया है उसका एक हमने खाका तैयार किया है, अभी उसी के ऊपर काम करेंगे। पुलिस फोर्स मिल गई है आपको, कहा जा रहा था कि पुलिस फोर्स नहीं, पुलिस फोर्स मिल गई है, पुलिस का पूरा पर्याप्त है, पुलिस की हमें कोई परेशानी नहीं, हमारे जांबाज अधिकारी हमारे कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ इस काम को आज गति देंगे। आज की शुरुआत तो यहीं से होगी, आज के बाद आगे हमने पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है। शाहीन बाग में भी आप बुलडोजर चलाओगे? बहुत जल्दी, शाहीन बाग हो, ओखला हो, खड्डा कॉलोनी हो, कोई जगह बख्शी नहीं जाएगी, इसमें कोई इफन बट की बात नहीं है। ये सिर्फ रेडी पट्टियों के लिए या रेजिडेंशियल? नहीं नहीं, जो जो सड़क के ऊपर इंक्रोचर्स हैं, सड़क को घेर लिया है, रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए, बिल्डिंगें बना लिए, नेताओं की छह पर बना लिए, उस सब को साफ करना। नहीं, इंक्रोचमेंट ड्राइव पूरा 12 महीने थ्रोडर मंथ होती है, 12 मंथ होती है, उसमें कोई ऐसा संशय वाली बात नहीं। समय समय पर हम लोग पुलिस को लिखते भी हैं, जहां हमें लगता है कि मेजर इंक्रोचमेंट है, जहां हमें लगता है कि यहां पे कोई वायलेशन हो सकता है, तो वहां पर हम पुलिस का की भी सहयोग लेते हैं। और जनरल इंक्रोचमेंट ड्राइव के लिए हमें थोड़ा पुलिस मिलता है, उससे हम काम चलाते हैं, रेगुलर चलता रहता है। तो अगर ऐसा कहीं लगता है कि जहां मेजर ड्राइव है, जहां हमें लगता है जेसीबी का सहारा लेना पड़ सकता है, बुलडोजर का सहारा लेना पड़ सकता है, तो वहां पर सब चीज़ों को भी लेकर के हम ड्राइव इंक्रोचमेंट हटाने का काम करते हैं। तो इस तरह का कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको हम करते हैं। बाकी पूरी दिल्ली इस पहल का स्वागत कर रही है और सारी जनता चाहती है कि दिल्ली साफ सुथरी हो, दिल्ली अतिक्रमण मुक्त हो, दिल्ली कूड़ा मुक्त हो, दिल्ली कचरा मुक्त हो। तो एमसीडी के इस पहल का पूरी दिल्ली स्वागत कर रही है और हम इस ड्राइव को क्लीन करने में लगे। तो सर, आज कहाँ कहाँ पे हो रहा है ये? चारों जोन में रेगुलर हम कर रहे हैं, चारों जोन में चल रहा है। आज संगम बिहार में है, उधर बदरपुर के अंदर भी हो रहा है, इधर वेस्ट जोन में तिलक नगर साइड में कृष्णा विष्णु गार्डन में हो रहा है, नजफगढ़ में पालम में कर रहे हैं, काबाछेड़ा में कर रहे हैं। तो ये तो जनरल ड्राइव चलती है और चलती रहेगी। सर, पुलिस का कहना है कि हमारे पास फोर्स नहीं है, तो क्या ये जनरल इसमें क्या फर्क? नहीं, पुलिस को हमें हमेशा सहयोग चाहिए होता है, पुलिस के बिना कोई ड्राइव कंप्लीट नहीं होती, चाहे जनरल भी हो। जनरल ड्राइव में हम थोड़ा पुलिस बल अगर हमें कम भी मिले तो हम काम चला देते हैं, अगर पुलिस के पास हमें पुलिस नहीं मिल रही है, उनके पास फोर्स नहीं है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट डेट फिर उसको प्री प्लान कर लेते हैं। तो फिर क्या इसमें, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हमारे पास फोर्स नहीं है, आउटसाइड फोर्स नहीं है। जब जब हमें पुलिस मिलेगी तब तक ये ड्राइव चलती रहेगी और पुलिस के कई कारण हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं, पुलिस व्यवस्था में कई बार प्रावधान हो सकता है, तो नहीं मिलेगी तो नहीं ड्राइव चल पाएगी। तो अभी क्या स्थिति है कि आज ड्राइव चल रही है, रेगुलर चल रही है, उसमें जनरल इंक्रोचमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पुलिस की जरूरत नहीं होती। और ऐसा नहीं पुलिस का सहयोग नहीं मिलता, पुलिस का भरपूर सहयोग मिलता है, जब जब जरूरत होती है पुलिस का सहयोग मिलता है। जनरल इंक्रोचमेंट में क्या क्या आएगा? आपका ये सड़क पर इंक्रोचमेंट होता है, कोई अवैध अतिक्रमण होता है, कोई अवैध कोई दुकान बना लेता है, कोई अवैध अपना टिन टप्पर डाल लेता है, कोई अवैध गाड़ियां पार्क कर लेते हैं, इस तरह का जनरल इंक्रोचमेंट। इसमें बुलडोजर और क्रेन की जरूरत नहीं है? अगर इसमें कई बार गाड़ी हटाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो उनको हमें सब चीज़ें उसको लेकर चलते हैं और वो हमें इंक्रोचमेंट के दौरान मालूम होता है कहाँ में बुलडोजर चाहिए, कहाँ में जनरल ड्राइव करनी, तो उससे होता है।